हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उपमा बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक कटोरी के करीब रवा लिया है, एक आलू छील करके काट लिया है, एक टमाटर है और ये मूंगफली के दाने लिए हैं थोड़े से, थोड़ा सा काजू है और बघार के लिए आधा चम्मच चना दाल है, आधा चम्मच उड़द है और आधा चम्मच ही राई दाने हैं। और ये एक प्याज काट ली है, दो हरी मिर्ची है, ये थोड़ा सा कच्चा नारियल है काट के रखा है, थोड़ा सा धनिया और ये करी पत्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया था, गरम हो चुका है। अब इसी में हम पहले मूंगफली को अपने तल लेंगे। हाँ, ये मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। अब यहीं पे हम अपने काजू भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो हमारे काजू भी हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब राई, उड़द की दाल और ये चने की दाल यहीं पे डाल देंगे, थोड़ा चटक जाए। हमारी राई चटक गई है तो सबसे पहले हम आलू डालेंगे इसमें और इनको थोड़ी देर भूनेंगे। तो हमारे आलू जो है थोड़ा फ्राई हो चुके हैं, अब यहीं पे हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम यहीं पे प्याज डाल देंगे, हरी मिर्ची और ये नारियल भी मिक्स कर देंगे इसी में और अब हम इनको भूनेंगे। तो हमारी प्याज देखिए गुलाबी हो चुकी है और आलू भी थोड़ा पक चुके हैं। तब यहीं पे हम सूजी मिला लेंगे और इसको अच्छा गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो हमारा रवा भून चुका है, अब हम यहीं टमाटर मिक्स कर देंगे और यहीं पे हम इसमें नमक भी मिला देंगे। हमारा ये रवा वगैरह अच्छे से भून चुका है, यहीं पर हम पानी मिला देंगे। अब यहीं पे हम इसमें मूंगफली मिला लेंगे। ये हमारा उपमा बन चुका है, अब यहीं पर हम थोड़ा धनिया मिला देंगे और चला देंगे। हमारा उपमा बनके रेडी हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और प्लेटिंग करते हैं। अब हम ये काजू भी डाल देंगे इसी पे। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।